हाय फ्रेंड्स, आज हम देसी स्टाइल पास्ता बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम पास्ता लिए, 2 प्याज, 100 ग्राम मटर, 2 टमाटर, 10 लहसुन की कुल्ली, थोड़ा सा हरा धनिया। 1 लीटर पानी हमने बॉईल कर लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करके पास्ता हम उबलने चढ़ा देंगे। दस मिनट तक हम मिडिल आँच में बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो गए, इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून ऑयल डाल देते हैं जिससे ये आपस में चिपकेंगे नहीं। दस मिनट हो गए, हमारे पास्ता उबल गए, अब इन्हें निकाल लेते हैं। पास्ता उबल के तैयार हो गए। आज को इसे मोटा मोटा काट लिया, टमाटर की प्यूरी बना ली, हरा धनिया कटिंग कर लिया और लहसुन को कूट के तैयार कर लिया। कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच ये वाला तेल ऐड कर लिया। अब इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। भून गए, अब इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे और इसको हम 2 मिनट तक मिडल आँच में भूनेंगे। मिनट हो गए, अब इसके अंदर मटर डालेंगे, उनको भी 2 मिनट तक मिडल आँच में पकाएंगे। हो गए, अब इसके अंदर हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे, इसको भी 2 मिनट तक पकाएंगे मिडल आँच। हो गए, अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लहसुन के लिए कूट के तैयार करके वो डालेंगे और 2 मिनट तक हम इसे मिडल आँच में पकाएंगे। दो मिनट हो गए, अब इसके अंदर जो टमाटर प्यूरी बनाई थी उसका पानी ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक मिडल आँच में पकाएंगे। अब इसमें 1 चुटकी गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड करेंगे, तो अच्छे से मसाले में मिला लिया हमने। अब 1 मिनट तक हम धीमी आंच पर पकाएंगे। पास्ता हमारा बनके तैयार हो गया, इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और गैस की फ्लो बंद कर देंगे।